भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। इसरो का सपना अब सच होने वाला है। लगभग 700 करोड़ में लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3 सफलता के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसरो के लिए बड़ी सफलता तो तब थी जब चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती गुरुत्वाकर्षण की थी, जिसे चंद्रयान ने बखूबी पास कर लिया और अब इसने चंद्रमा की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। इसरो ने चंद्रयान की एक कक्षा और घटा दी है, यानी अब ये चंद्रमा के और करीब से चक्कर लगाएगा। 14 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चंद्रयान चांद की चौथी कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान के इंजन को करीब 18 मिनट ऑन किया गया था। चंद्रयान अब 150x177 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 5 अगस्त को चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। लगभग 22 दिन का सफर तय कर चंद्रयान चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था, जिसके बाद चंद्रयान ने चंद्रमा की खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी। उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो बार इसकी ऑर्बिट बदली गई। तो अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान चांद पर कैसे उतरेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100x100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त को दोपहर 4:15 से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की कक्षा की ऊंचाई कम की जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 2:15 डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब ठीक रहा तो 6:15 के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसी के साथ ही इसरो की ओर से खुशी की खबर ये सामने आई है कि चंद्रयान 3 के भले ही सभी संवेदक और दोनों इंजन काम करें या ना करें, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा। सबसे खास बात तो ये है कि भारत चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराने वाला है, जहां अभी किसी देश ने लैंडिंग नहीं करवाई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा रहता है, ऐसे में यहां पानी की मौजूदगी की भी जानकारी मिल सकती है। ऐसे में संभव है कि अपने 14 दिन के चांद के सफर के दौरान चंद्रयान 3 कुछ बड़ी जानकारी सामने लाए।